रूस का लूना 25 हुआ क्रैश। हुआ ऐसा हादसा जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 चंद्रमा की सतह से टकराकर बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। आखिर क्या हुआ ऐसा लूना के साथ जो इसे डुबा कर ले गया? आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताती हूँ। दोस्तों, 10 अगस्त 2023 को रूस ने अपना नया मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था और इसे लॉन्च करने के मात्र 10 दिन बाद ही ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रूस की स्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस का लूना 25 चांद की सतह से टकराकर बुरी तरह से क्रैश हो चुका है। दोस्तों, कई दिनों से ये बात चर्चा में थी कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहले कदम कौन रखने वाला है, क्योंकि भारत ने 14 जुलाई को अपना मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इंडिया के चंद्रयान 3 का चांद तक पहुंचने का सफर 42 दिन का तय किया गया है, लेकिन रूस ने अपने यान लूना 25 को मात्र 10 दिनों में ही चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करा दिया था। ऐसे में ये स्पष्ट था कि रूस ने अपने लूना 25 को बहुत ही जल्दबाजी में चांद पर भेजने की कोशिश की, और अगर लूना 25 आज क्रैश नहीं होता तो वो चांद पर भारत के चंद्रयान 3 से भी पहले लैंड करता। लेकिन दोस्तों, आखिर किस वजह से लूना 25 चांद के करीब पहुंचते ही तबाह हो गया? क्या ये हादसा वैज्ञानिकों की लापरवाही का नतीजा है या फिर इसके पीछे भी कोई राज छिपा है? दोस्तों, पिछले कई दिनों से ये होड़ लगी थी कि आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की इस जंग को कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही देश अंतरिक्ष की रेस में एक दूसरे की टक्कर में है। लेकिन इस वक्त की इस बड़ी खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, रूस की स्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस ने खुद ये पोस्ट करके बताया है कि उनका लूना 25 अभी अभी चांद से टकराकर क्रैश हो चुका है। इस खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ लूना के क्रैश होने की ही नहीं है, बल्कि मानव जाति के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ी नाकामयाबी की है। दोस्तों, लूना 25 के क्रैश होने का ये हादसा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़े खतरे का संकेत है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की तरह लूना का क्रैश होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों, अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर लूना 25 किस वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन अचानक से किसी अंतरिक्ष यान का क्रैश होना एक बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। दोस्तों, सदियों से ही चांद की उस अंधेरी दुनिया का रहस्य हमें लगातार चुनौती दे रहा है, और अभी तक कोई भी अंतरिक्ष यान चांद की उस अंधेरी दुनिया में सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में इस बात का शक और भी गहरा हो जाता है कि हो ना हो चांद की उस अंधेरी दुनिया में जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। दोस्तों, लूना 25 के अचानक रहस्यमयी तरीके से क्रैश होने की इस खबर ने पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिला दिया है, और लूना का क्रैश होना चंद्रयान 3 के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी तक रूस की स्पेस एजेंसी रॉस्कोस्मोस इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि आखिर लूना 25 को किसने चांद की ओर खींचा। इस खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात की जांच पड़ताल करने में लग चुके हैं, मगर लूना का इस तरह से अचानक क्रैश हो जाना इस बात को सीधा इंगित करता है कि चांद की उस अंधेरी दुनिया में एलियन का बसेरा हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त तो अभी वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं कि लूना किस वजह से क्रैश हुआ है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुट चुके हैं। दोस्तों, अगर इस बात के कोई पुख्ता सबूत बाहर आते हैं तो इस बात की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार साथियों, आप चांद के उस इलाके के बारे में तो आप जानते ही हैं जिस इलाके से रूस और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी डरती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव की। आखिर यह जगह इतनी भयानक क्यों है? क्या इस अंधेरी दुनिया में कोई राज छुपा है या फिर एलियन मौजूद है? दोस्तों, चांद की इसी अंधेरी दुनिया में हमारा चंद्रयान 3 जल्द ही उतारने वाला है। जिस दिन से हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है, तभी से एक बात हम सभी बार बार सुनते आ रहे हैं कि चंद्रयान 3 उस इलाके में लैंड करने जा रहा है जहां आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। चांद की एक रहस्यमयी दुनिया जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। हम बात कर रहे हैं चांद के दक्षिणी ध्रुव इलाके की, एक ऐसा इलाका जहां हमेशा अंधेरा रहता है और खून जमा देने वाला सर्द तापमान भी। क्या आपने कभी सोचा है कि 1972 के अपोलो मिशन के बाद नासा वापस चांद पर क्यों नहीं गया? क्या चांद से जुड़ा कोई ऐसा रहस्य है जो आम इंसानों से छुपाया गया है? हम आपको इस बात की सारी जानकारी देंगे, बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारे चंद्रयान 3 की सफलता लिए एक लाइक तो कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में जय हिंद जय इसरो लिखना बिल्कुल ना भूलें।
आज के इस वीडियो में हम चांद की अंधेरी दुनिया के इन्हीं रहस्यों को समझेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 को इस इलाके में लैंड कराने के लिए इसरो ने क्या खास प्लान बनाया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई दिन श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से अपनी लंबी उड़ान भरी थी और इस समय चंद्रयान सभी मुश्किलों को पार करते हुए चांद के आखिरी ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब आगे इसके लैंडर की वेटिंग शुरू की जाएगी और धीरे धीरे इसे 23 अगस्त की शाम को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवा दिया जाएगा। लेकिन यही आखिरी पड़ाव इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट है। यहाँ तक हमारा चंद्रयान 2 भी इसी स्टेप पर आकर फेल हो गया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि चांद की दुनिया इतनी खतरनाक क्यों है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। साथियों, धरती से देखने पर ये भले ही हमें गोल नजर आता हो, लेकिन हकीकत में ये भी पृथ्वी की तरह थोड़ा अंडाकार है। चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, चांद पर पानी भी मौजूद है, जिसकी खोज साल 2009 में हमारे चंद्रयान 1 ने की थी। लेकिन ये पानी पृथ्वी की तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि चांद पर ये बर्फ के छोटे छोटे कणों में मौजूद है। आपको शायद इस बात पर यकीन न हो, लेकिन चांद हमारी नींद पर भी खास असर डालता है और ये बात एक रिसर्च में साबित हो चुकी है। दरअसल आज से 10 साल पहले स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में ये खोज की गई थी कि अमावस की रात लोग ज्यादा गहरी नींद सोते हैं, जबकि पूर्णिमा की रात उन्हें नींद इतनी अच्छी नहीं आ पाती। अब इसकी वजह क्या है? ये सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि चांद पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा बड़े और गहरे गड्ढे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हैं। साथ ही इस इलाके में गड्ढे की गिनती भी सबसे ज्यादा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अटकेन बेसिन नाम का गड्ढा है, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है, और ये सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। चांद का दक्षिणी ध्रुव ऐसे ही खतरनाक गड्ढों से भरा हुआ है। इन गहरे कुओं में करोड़ों साल से सूरज की एक किरण तक नहीं गई है। ऐसे में कोई नहीं जानता यहाँ कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे बेशुमार पानी छुपा हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान है और इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और अमेरिका तो आज से करीब 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, पर उन्होंने चांद के इलाके को खोजने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? असल में दोस्तों, इस विषय पर दुनिया भर में कई थ्योरीज मौजूद है। कुछ को खुद नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने ही जन्म दिया है। 1969 से 1972 के बीच अपने अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा ने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था, और उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स चांद की अंधेरी दुनिया के बारे में हैरतअंगेज खुलासा कर चुके हैं। कुछ ने तो चांद पर एलियंस के मौजूद होने की बात भी कही थी, और लोग कहते हैं कि नासा ने 1972 के बाद अब तक इसीलिए कोई मून मिशन नहीं भेजा, क्योंकि उसको चांद की दुनिया के गहरे राज पता चल गए थे। हालांकि नासा की तरफ से इसकी वजह दी गई कि चांद पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खोज की जाए, इसलिए वह अब इस मिशन पर और ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। अब आखिर सच क्या है, यह हमें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फिलहाल हमें इतना मालूम है कि इसरो पहली स्पेस एजेंसी है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश की। भले ही रूस का लूना 25 हमसे कुछ घंटे पहले चांद के इलाके में लैंड कर जाए, लेकिन यहाँ पहुँचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक साल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान ही कर चुके हैं। हालांकि वह मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि चांद से केवल 2.1 किलोमीटर दूर चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूट गया था और लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव को सिर्फ इसके गड्ढे ही इसे इतना खतरनाक नहीं बनाते, बल्कि बेहद ठंडा तापमान भी इस जगह के भयानक होने की एक बड़ी वजह है। असल में चांद के इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ती, जिसके चलते यहाँ कुछ हिस्सों का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी ज्यादा ठंड में हम इंसानों का सरवाइव करना तो दूर की बात, यहाँ भेजे जाने वाले लैंड रोवर का काम करना भी हद से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। यही वजह है कि इसरो से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस इलाके में अपना मिशन भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। अब अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसरो वैज्ञानिकों ने इसको चंद्रयान 2 की हर कमी और गलती से सीखकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाया है, ताकि यह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक लैंड कर पाए। इस बार पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है।
जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में कई थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है, साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें चंद्रयान 3 का खुद का AI कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, जिससे इस बार लैंडर इसरो से संपर्क न तोड़े। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। कई हजारों टेस्ट करने के बाद ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करके चांद को फतेह कर लेगा और भारत दुनिया का पहला देश होगा जो उस अंधेरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। यहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों खास बात तो ये है कि इस बार हमारा चंद्रयान 3 रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछली बार चंद्रयान 2 के अंदर जितने भी कमियां रह गई थीं, उन्हें ठीक कर दिया गया है। साफ शब्दों में कहे तो इस बार हमारा चंद्रयान 3 किसी भी हालत में हम सभी को निराश नहीं करने वाला है और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वह जो कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता है। फिलहाल चंद्रयान 3 की सेहत एकदम अच्छी है। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि अभी तक चंद्रयान 3 में कोई भी गड़बड़ी नहीं देखी गई है। अब साथियों इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ 23 अगस्त का, और फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर चांद के उस हिस्से में क्या है, क्या वहाँ पर कोई वाकई में बड़ा खजाना है या फिर कुछ नहीं। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।